नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जिसका इंतजार था दरभंगा एम्स का, वो स्थल का निरीक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कर लिया। बड़े हाई प्रोफाइल दौरे पर थे, ताबड़तोड़ दौरा किया उन्होंने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। दरभंगा में उनका भव्य स्वागत किया गया। जो प्रोग्राम था इनका दरभंगा एम्स के स्थल को देखना, वो गए वहाँ पर तमाम आला अधिकारी, स्थानीय सांसद और जेडीयू के अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। प्रशासनिक अमला पूरे तामझाम के साथ उन्होंने देखा। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके आगे कि दरभंगा एम्स कैसा बनेगा। दरभंगा एम्स का जो नक्शा उन्होंने देखा और जो बातें सामने आ रही है, जो इसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है, वो टॉप क्लास का डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। और ये इसका खुलासा खुद संजय झा जी ने किया, और इससे पहले खुद जेपी नड्डा ने पटना में कहा था कि वो खुद इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एम्स बने वो उसका डिज़ाइन जो बाकी एम्स बने हैं अब तक के देश में उससे बिल्कुल अलग होगा। और बिल्कुल अलग इसलिए होगा क्योंकि ये पिलर पर खड़ा होगा, ये इसको भरा नहीं जाएगा, जो गहराई थी उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, उस स्पेस का फ़ायदा उठाया जाएगा। और पिलर्स को खड़ा करके, प्लिंथ खड़ा करके, और तब उसके ऊपर एक भव्य एम्स का निर्माण। और इस बात का खुलासा खुद संजय झा जी ने किया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। और नड्डा जी का एक विशेष बात है कि डिजाइन खुद देखकर एक एक एम्स का डिजाइन कैसे बन रहा है, कैसे बनेगा। आज उन्होंने कहा है कि दरभंगा एम्स का पूरा डिजाइन देख के देश का वन ऑफ द बेस्ट एम्स दरभंगा एम्स बनेगा। तो सुना आपने किस तरह से नड्डा जी खुद इस डिजाइन को देख रहे हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं कि इसकी जो गहराई है इसका फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए। और आपको बता दें, इससे पहले जेपी नड्डा पटना में जो कार्यक्रम था, उन्होंने खुद साफ कहा था कि दरभंगा एम्स जो बनेगा उसका जो डिज़ाइन है वो बेहद अलग बनाया जा रहा है, और जो उन्होंने खुद इस बात के संकेत दिए थे। मैंने उसके लिए नई एजेंसी हायर कर ली है, नई एजेंसी अपॉइंट कर दी गई है, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बन रहा है। वो जमीन थोड़ी नीची है, बिहार सरकार का धन्यवाद ही हूं जिसने उसको भरने के लिए आर्थिक रूप में उसके लिए सहायता दी है। लेकिन हमने भी तय किया है कि हम उसके ऊपर प्लिंथ लेवल पर उठा करके एक भव्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दरभंगा का बनाएंगे। तो इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने भाषण में कर दिया था पटना में, और वो भव्य कैसा बनेगा उसको थोड़ा सा डिजाइन से समझ लेते हैं। क्योंकि जो गहराई है, जो गहराई की बात की जा रही थी, और पहले इसी गहराई की वजह से या फिर इसी गड्ढे की वजह से जो नीची ज़मीन थी उसी की वजह से इसको जो है टाला जा रहा था या इसको मना किया जा रहा था। तो उसका फ़ायदा यह होगा कि आप पिलर उठा करके और आप उसके बाद उस पर बेस तैयार करेंगे, जिससे कि आपको नीचे का स्पेस का इस्तेमाल हो जाएगा। चाहे वो बेसमेंट आप इस्तेमाल कर लीजिए पार्किंग के लिए, चाहे कुछ और कार्य उसके लिए, कार्यालय के लिए या किसी और काम के लिए, वो पूरा स्पेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डिज़ाइन पहले सुझाया था बिहार सरकार ने, और संजय कुमार झा पहले भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि नया डिज़ाइन ऑफर किया गया है, तो उस पर ये चीज़ हुई सामने। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन हुआ, इस मौके पर क्या कहा जेपी नड्डा ने, सुनिए। 7 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, कार्डियोलॉजी है, CTVS है, कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी होगी, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, नियोनेटोलॉजी है, बर्न्स एंड प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। आप बताइए ये बदलता हुआ दरभंगा है कि नहीं है। तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में वो बता रहे हैं कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, न पटना, न दरभंगा, न दिल्ली, आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो यहीं मिलेगी DMCH के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 8 ऑपरेशन थिएटर बने हैं। मैं सिर्फ अगर आपको साधारण भाषा में समझाना चाहूं तो जो ऑपरेशन थिएटर दिल्ली के ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंसेज में है, वही ऑपरेशन थिएटर अब दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, 8 मेडिकल ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, कार्डियोथोरेसिक
वैस्कुलर सर्जरी के लिए एंडोस्कोपी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सब होने की व्यवस्था अब आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज में विराजमान है। ये तो नड्डा के अलावा और भी बहुत सारे वक्ता थे, उसमें गोपाल जी ठाकुर स्थानीय सांसद वो भी बोले और उन्होंने तमाम चीज़ों का, उन्होंने रेलवे और एयरपोर्ट तमाम चीज़ों का जिक्र किया, हालांकि जो हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। सुनिए उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहा। दरभंगा में एयरपोर्ट जो प्रधानमंत्री के सपना रहा, हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा, लगभग 1300 करोड़ अखन तो 918 करोड़ के काज प्रारंभ भ गए हैं, तो 1300 करोड़ एयरपोर्ट में भी भेटल है। तो गोपाल जी ठाकुर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट की स्थिति अभी ये है कि वहाँ पर स्पाइस जेट की हालत खराब है, लगातार फ्लाइट कम हो रहे हैं, यात्री कम हो रहे हैं, लेकिन इसकी बात यहाँ इन्होंने नहीं की है, इन्होंने नए टर्मिनल की बात की। और सबसे बड़ी चीज़ मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बातें सुन लीजिए, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि आपने चीज़ें तो बना दी हैं लेकिन क्या अभी भी लोग पटना पे निर्भर रहेंगे, अभी भी दिल्ली जाएंगे, तो जो सुविधा पटना में है क्या दरभंगा में मिलेगी, इस पर उनको अभी भी संदेह है। सुनिए मदन सहनी क्या कह रहे हैं। कहना चाहेंगे बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है, दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान रोगी को नहीं मिलता है, इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए, जितना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है यह बात। और दूसरा यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं कि जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे। और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं वैसे लोग भी सीधा IGMS के रेफर करते हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को PMCH में क्यों नहीं रेफर किया जाता है, इसलिए इसका मतलब है कि आपको PMCH पर विश्वास नहीं है, आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए, एक भी डॉक्टर PMCH रेफर नहीं करते हैं, सीधा IGMS रेफर करते हैं। और आपको भी मालूम है कि IGMS में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है। तो सुना आपने किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री को संदेह है और वो उन्होंने आगाह कर दिया मंत्री जी को कि आप जरूर निगरानी रखिए, चीजें बना तो दी है आपने लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और बगैर मॉनिटरिंग के आप ये जो तमाम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और तमाम चीजें जो कह रहे हैं आप, ये इसका मेंटेनेंस सही नहीं हो पाएगा तो सब बेकार हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दरभंगा एम्स का जो है उन्होंने निरीक्षण किया प्रस्तावित एम्स के स्थल का और अब शिलान्यास की बारी है। बहुत हो गया आना जाना, दौरा हो गया, तमाम चीजें हो गई, 150 एकड़ जमीन भी मिल गई है आपको, आपने नक्शा भी आके देख लिया, अब आप जल्दी डिज़ाइन तैयार करा करके जल्दी एजेंसी को दीजिए और जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास करवाइए प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि समय आ गया है, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि 2024 चल रहा है, इसी साल इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था लेकिन अब इसी साल शिलान्यास की बात हो रही है तो 4 साल और मान लीजिए, तो ये ऑलरेडी डिले है, अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इसका शिलान्यास कब होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और भी जरूर देखते रहो, बंगाल रोज, शुक्रिया, धन्यवाद, जय जय बिहार, जय मतलब।